मां भारती पेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से देश को संबोधित किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह से दूर रहे। ऐतिहासिक लाल किले पर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए निर्धारित सीट खाली दिखी तो कई सवाल उठने लगे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर कुर्सी की तस्वीर शेयर होने लगी। पहले कहा गया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब मीरा कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खड़गे साहब यहाँ आए और हमें संबोधित किया, उन्होंने देश की जनता को उत्साहित किया है। समझा जा रहा है कि कांग्रेस मानकर चल रही थी कि मोदी का भाषण चुनावी हो सकता है और वो पिछली सरकारों पर निशाना साध सकते हैं। कुछ देर बाद जब लाल किले नहीं जाने का सवाल खड़गे से किया गया तो उन्होंने अपनी आंखों की समस्या बताई। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचा यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था, और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते, अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है, मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और इस प्रोटोकॉल और सॉरी अपना सिक्योरिटी का जो अड़चन है, तो मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते, उन्हों पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और समय के ऊपर मैं यहां भी नहीं आ पहुंचूंगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है सबको मालूम है, और आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस के पास भी होता है, ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा क्योंकि सिक्योरिटी के वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ खड़गे ने वीडियो संदेश के जरिए पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने नेहरू, इंदिरा, शास्त्री से लेकर बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। राजीव जी के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था में डबल डिजिट तक तरक्की की। पीवी नरसिंह राव जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने साथ मिलकर 91 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित सभी प्रधानमंत्रियों ने हमेशा देश के लिए सोचा और विकास के अनेकों कदम उठाए। तो इस भाषण पर बीजेपी ने खड़गे पर निशाना साध दिया। खड़गे को कांग्रेस मुख्यालय पर देख बीजेपी प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने तंज कसा। उन्होंने कहा, सूत्र कह रहे थे कि खड़गे जी अस्वस्थ हैं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं आए, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गए और कांग्रेस मुख्यालय पर स्पीच दे रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।